आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हो आप सभी लोग? तो घर पे करेंगे हम आज हेयर स्पा, और मेरी जो है बहन कर रही है मेरे, क्योंकि मुझे हेयर स्पा कराना था तो मैं पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो है 1000 रुपये में कौन कर रहा है, तो घर पे हमने करा है। वैसे मेरी बहन ने ब्यूटिशियन करा है, तो आज गए नहीं दी पार्लर, तो आज घर पे मेरे बहन का हेयर स्पा कर दो। तो ये दिखाऊंगी मैं आपको, ये सीरम भी इसमें डालेंगे, और तो जितनी लेंथ होगी उतना हम लोग लेंगे। इसको भी 3 चम्मच हमने इसके लिए और थोड़ा सा सीरम लिया है। तो इसको मिक्स करके जो है आप देख सकते हो, मेरी बहन इसको मिक्स कर रही है, और बहन ही लगाएगी, और बहन ब्यूटिशियन कराई इन्होंने, इनको तो हर चीज़ आता है, बट मैंने कहा आज घर पे ट्राई करते हैं। बट बहुत अच्छा जो है मुझे लग रहा था जब दी लगा रही थी, तो देख सकते हो आप, तो दी बाल को जो है अलग अलग पार्टीशन में लेंगे और फिर एक एक उसमें लगाएंगे ढंग से बिल्कुल। मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप घर पे अच्छे से अगर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब 1000 रुपये से अच्छा है कि आप घर पे कर लो। तो आप देख सकते हो दोनों साइड बाल लेके अब आपको क्लेचर लगाना है, तो क्लेचर जो है अगर पार्लर में होते तो वो क्लिपिंग वो लगाते क्लेचर, बट हमारे पास नॉर्मल क्लेचर है। तो दी ने एक एक करके लिए, और देख सकते हो आप अब पूरे लेयरों में लगाएंगे, और ग्लव्स भी यूज़ नहीं किए, वैसे हाथ से होना चाहिए क्योंकि ढंग से आते एकदम बाल उसमें हाथ में, तो ढंग से कर रहे हैं, और बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। तो दीदी ने मतलब मेरे एक एक बाल मतलब ढंग से किया है, बहुत अच्छा। तो ये देख सकते हो आप कैसे दीदी निकाल रहे हैं, और हम लोग पूरा दिखाएंगे आपको, आप घर पे कर सकते हो, भाप लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे पूरा लग चुका है, और थोड़ी देर मालिश करनी है, क्योंकि मालिश भी ज़रूरी होती है जब आप लोग पूरा करके फिर उसके बाद मालिश करनी है। उसके बाद जो है हम लोग पॉलिथीन में मतलब बाल थोड़ा रख के उसके बाद भाप देंगे, बट अभी थोड़ा और दी जो है मालिश कर रहे हैं 5-10 मिनट, इतनी अच्छी मालिश कर रहे थे कि क्या ही बताएं, मुझे नींद आ रही थी, बट मैंने सोचा मैं सोऊंगी नहीं, और क्योंकि मुझे पॉलिथीन भी लगानी थी, तो पॉलिथीन जो है लग चुकी है, पूरे बाल कवर हो चुके हैं इसके अंदर। और पॉलिथीन के अंदर बाल कवर होने के बाद इसको 5 या 10 मिनट के बाद आप इसको कवर रहने देंगे। उसके बाद हम लोग भाप के लिए मैंने गरम उसमें कढ़ाई में जो है गरम पानी किया, उसके बाद हम टॉवल लेंगे और टॉवल को पूरा निचोड़ के 2 बार लगाएंगे, टॉवल को 2 बार पानी गरम करेंगे और हम लोग टॉवल को लगाएंगे। तो टॉवल से पूरा रिकवर करना है ताकि ये भाप जो है बाहर ना निकले, क्योंकि स्टीम जो है ये पार्लर में तो उससे देते हैं, मशीन भी होती है स्टीम करने की, और ड्रायर होता है उससे भी होता है, बट हम घर पे कर रहे हैं टॉवल से। बहुत अच्छा तरीका है, आप घर पे टॉवल से हर मंथ कर सकते हो, क्योंकि बालों में जो है डैंड्रफ होगी, हर चीज़ डैंड्रफ सारे ख़त्म हो जाते हो। तो ये पूरा हो चुका है 15 मिनट, अब दीदी फिर से मालिश कर रहे हैं, और फिर मालिश करेंगे 5 या 10 मिनट तक फिर से मालिश करेंगे, क्योंकि पूरे बालों में लगना चाहिए, और मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है क्योंकि मालिश इतनी अच्छी कर रही है दी कि क्या ही बताएं। मुझे बहुत सुकून हो रहा था, मतलब ऐसा मन कर रहा था कि मैं सो जाऊं, बट क्या करें, फिर दीदी अगर मैं सोती फिर कुछ ना कुछ करना ही पड़ रहा था। अब थोड़ी देर फिर बाल को 10 से 15 मिनट जब हो चुके थे, उसके बाद क्या करना है, गुनगुने पानी से हमें वॉश करने हैं। हमें शैम्पू या कंडीशनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर दूसरे दिन करेंगे कंडीशनर और शैम्पू, आज हमने सिर्फ गुनगुने पानी में वॉश करना है, और उसके बाद जो है आप रिजल्ट अपना देख सकते हो। मैं तो बोलती हूँ कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा घर पर। तो गाइस फाइनली मैंने वॉश कर दिए बाल, और आपको जो वॉश करने हैं उसमें कंडीशनर और शैम्पू यूज़ नहीं करना है, सिर्फ गुनगुने पानी से वॉश करना है। तो देख सकते हो आप मेरा रिजल्ट, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल सिल्की और शाइन भी आ रहे हैं बालों में। तो आप घर पे मतलब आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पे इसको यूज़ कर सकते हो, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और तो मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।
तो ये है फाइनली रिजल्ट और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और देख सकते हो आप बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं क्योंकि मैंने स्मूथिंग कराई थी, बहुत खराब हो गए थे, तो हेयर स्पा कराया मैंने घर पे, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो देख सकते हो आप फाइनल रिजल्ट है।